हेलो नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट से। हम दोबारा आज आपसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालटी के जो साइंस स्ट्रीम के सेकंड पोजीशन के जो स्टूडेंट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनके विचार आपके साथ साझा करने जाते हैं। हमारी जो मुहिम चली हुई है उसके ऊपर हम अभी तक लगे हुए हैं, तो आज मैं इन्वाइट करता हूँ सेकंड पोजीशन साइंस स्ट्रीम के छात्र को। सो प्लीज कम हियर। सबसे पहले आपका स्वागत है। ओके वेलकम। ये आपका नाम क्या है? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा जी, कितने मार्क्स आपने लिए हैं? सर 404। 404 500 में से? यस सर। अच्छा, ये आपका क्या रखा था आपने साइंस में? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, ठीक, वेरी गुड। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा आपकी कंपनी में जॉब करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, कौन सी कंपनी में रखते हैं? टाटा मोटर्स। कहाँ पर? मंडी में। मंडी में। और आपके भाई बहन? सर मेरा ब्रदर अभिलाष कॉलेज में बी टेक करते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से? मंडी से। मंडी से, वेरी गुड। और आपके सिस्टर? सिस्टर में से। अच्छा भाई, वेरी गुड। तो अक्षय शर्मा जी, आपके जो जूनियर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अक्षय शर्मा ने नॉन मेडिकल में जो 404 जो नंबर लिए हैं उसको, उसकी तैयारी, उनको नंबरों को लेने के लिए उनकी क्या तैयारी थी, तो आप बताएं उनको यार कि आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई की है, क्या आपका शेड्यूल था। 6 घंटे आप स्कूल में बिताते हैं तो 18 घंटे आप कैसे मैनेज करते हैं? सर जैसे स्कूल से जाने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ जाता था, 1-2 घंटे फिर पढ़ना, फिर थोड़ी देर ऐसे घूमना, फिर खेलना, और फिर रात को खाना खाने के बाद 2-3 घंटे पढ़ना, और सुबह 5 बजे उसके 7 बजे बनना और चौके गया। अच्छा, तो इसमें कुल मिला के मतलब 4 से 5 घंटे आप घर पे डेली जो पढ़ने के लिए निकालते हैं। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि वो जो याद करने की उनकी जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा कैच करती है मॉर्निंग टाइम। यस सर, ऐसे भी होता है? मॉर्निंग टाइम में आप ऐसे याद करने की कोशिश करते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन है? सर मॉर्निंग टाइम में मैं कम करता था, मैं शाम को करता था, वैसे मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे। अच्छा अच्छा, तो मॉर्निंग टाइम में क्या आ रहा था आपका शेड्यूल, सिर्फ लिखने का ही या फिर? सर नहीं, याद मॉर्निंग टाइम में भी याद करना और शाम को लिख के याद करना। लिख के याद करते हो आप? सर पहले जैसे एक बार पढ़ लिए तो उसके बाद उसको लिखना, दोबारा लिखना। तो स्कूल में आपके जो टीचर थे वो उनका क्या रहता था आपके लिए कि आपको किस तरह से तैयार कर, आपकी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी थी वो किस लेवल तक लेकर जाने की रहती थी? क्या सर स्कूल में टीचर तो ठीक ही पढ़ाते थे, मतलब ठीक ठाक रहते थे, उनका एग्ज़ाम नहीं। आपने अपने स्कूल में कोई इस तरह से टारगेट नहीं बनाया था कि हमने हमारे जो स्कूल की जो मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, इस तरह से भी कोई? सर रखा टारगेट 85। अच्छा, टारगेट अचीव नहीं कर पाए कोई भी स्टूडेंट नहीं अचीव कर पाए तो मेरिट लिस्ट में आई थी नालटी से, नालटी स्कूल से है कोई स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में, जो बोर्ड की मेरिट लिस्ट होती है? पता नहीं उसके बारे में। चलो कोई बात नहीं। तो आप अपने जो जूनियर हैं आपके, उनको क्या, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई करें और शुरू से ही किस तरह से अपना एक फ्लो बना के चलें पढ़ाई का, ताकि जो एंड जब एग्ज़ाम वगैरह की जो टाइम आता है तो उस टाइम पर वो अपने अटैम्प्ट कर सकें अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम? जैसे शुरू से पढ़ना चाहिए, जैसे क्लास स्टार्ट हो गई जो सर जो पीछे पढ़ा है उसको जाके रिवाइज करना चाहिए एक बार में, नहीं तो बाद में फिर वर्डन पर जाता है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। इससे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए तब पास जैसे। अच्छा सर, हेलो, जो आपने डिसाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो अपना आउटपुट नहीं आती है। अच्छा, तो सही, कैरियर का क्या आपने सोचा है? कैरियर हाँ,
सर, मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम कब होता है सर? आगे काफ़ी टाइम पड़ा है, तैयारी शुरू कर दी है उसमें। ठीक है अक्षय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट